आज हम सब आकागामी सैंक्स के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही तुमने सुना होगा। और अगर तुमने ये फैक्ट पहले से सुन रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि भाई मुझे पहले से इन फैक्ट्स के बारे में पता था। और अगर नहीं पता था तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। प्लस कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियोस पे बोलते हैं कि भाई तू ब्लीच पे वीडियोस क्यों नहीं बनाता। अरे यार सेकंड चैनल है यार, सेकंड चैनल पे बात करता हूँ, सेकंड चैनल को विजिट नहीं करते हो तुम, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो जाके, वहां पे ब्लीच पे वीडियो आते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। फैक्ट नंबर 5, बहुत सारे वन पीस फैंस को ये लगता है, बहुत सारे क्या भाई, जो लोग सिर्फ मांगा और एनिमे को फॉलो करते हैं कि सैंक्स का फर्स्ट मेट उसप का बाप यासोप है। लेकिन ऐसा नहीं है, ओडा ने अपने SBS वॉल्यूम सीरीज में ये बात बता रखा है कि सैंक्स का फर्स्ट मेट बैन बैकमैन है। अब कमेंट बॉक्स में पंगे मत करना भाई, बिकॉज ये ओडा ने बताया है। फैक्ट नंबर 4, याद है जब हमें सैंक्स पहली बार दिखाया गया था जब लूफी बच्चा था फूसा विलेज में, वन पीस के करंट टाइमलाइन से 12 साल पहले। उस वक्त उसकी बाउंटी कितनी थी मालूम? 1,004,000,000 बैरीज। और साला ये बैंडिट्स वाले उसको अपनी बाउंटी दिखा के धमका रहे थे, क्या ही बात है, बंदा हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। खैर फैक्ट नंबर 3, ये वाला फैक्ट शायद सभी को पता होगा, जिस तरह से सैंक्स उता को फर्स्ट टाइम मिला था ट्रेजर बॉक्स के अंदर, उसी तरह से रॉजर जो है सैंक्स से मिला था ट्रेजर बॉक्स के अंदर, दोनों में को इंसिडेंस है। अब देखो ये वाला तो फैक्ट है ही, लेकिन अब जो है एक और फैक्ट बताता हूँ उता को लेके, कि हाल ही में SBS वॉल्यूम 104 में ओडा ने कन्फर्म कर दिया है कि उता कैनन कैरेक्टर है। बिकॉज हम सबको याद होगा वानो के एंड वाले चैप्टर्स में, वहां पर जो है सैंक्स जो है याद करता है और उनमें से एक उता रहती है। ये जो है ज्यादातर वन पीस फैंस जो प्रेडिक्ट लगा रहे थे, जिसे अब ओडा ने कंफर्म कर दिया है कि वो शैडो वाली जो बच्ची दिखाई गई थी वो उता ही थी। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पर 3 फैक्ट को एक साथ मिला दिया मैंने। फर्स्ट जो है ओडा ने वॉल्यूम 4,000,000,000 में ये कंफर्म किया है कि सैंक्स का कॉन्करर हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस उन्होंने ये भी बताया है सैंक्स अपने स्वॉर्ड को बर्निंग स्वॉर्ड की तरह यूज करता है अपने एनिमी के खिलाफ। वैसे जब सैंक्स फाइट करता हुआ नजर आएगा तो मालूम पड़ जाएगा अच्छे से। अरे हाँ, स्वॉर्ड तो उसने किजारो के खिलाफ हल्का सा यूज किया था वन पीस मूवी रेड में, लेकिन वो तो नॉन कैनन मूवी थी। खैर साथ ही साथ ओडा ने एक और बात बताया है कि सैंक्स का जो है न्यू एरा को लेके खुद का अपना अलग प्लान है। अब वो प्लान क्या है पता नहीं, जिस वजह से काफी ज्यादा दंगे फसाद ये हो जाते हैं वन पीस फैंस के बीच में कि भाई सैंक्स विलन है, और कुछ बोलते हैं सैंक्स हीरो है, पता नहीं। वैसे नंबर 1 पे जाने से पहले मैं एक एक्स्ट्रा वाला फैक्ट बताने वाला हूँ। सैंक्स लूफी से पहले यंगेस्ट योंको था, बिकॉज इससे पहले जितने भी योंकोस थे वो सब यार बहुत ही ज्यादा एज वाले थे, और अपना जो सैंक्स है वो शायद 32 साल का था तब वो योंको बन गया था, जिसे अब लूफी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभी करंट इतने यंग एज में योंको बन के। खैर नंबर 1 पे आते हैं। सैंक्स इज ऑल्सो नोन एज द किलर ऑफ कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉकी। नहीं समझ में आया ना, बताता हूँ। सैंक्स जो है उसके पास खास तरह का पावर है कि वो सामने वाले ओपोनेंट के फ्यूचर साइड को ब्लॉक कर सकता है। वो अपने ओपोनेंट को फ्यूचर साइड देखने ही नहीं देगा, मतलब अगर उसके सामने काटाकुरी जैसा ओपोनेंट है और वो फ्यूचर साइड देख के पता लगाना चाहे तो सैंक्स उसको ब्लॉक कर सकता है, और इसी वजह से सैंक्स को जो है द किलर ऑफ कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉकी बोला जाता है। वैसे ये वाला जो चीज है ना, ये उसको पहले से बोला जाता था जब सैंक्स योंको नहीं था। अब देखो ये थे सैंक्स के कुछ अननोन फैक्ट। क्या तुम्हें इन फैक्ट्स के बारे में पता था कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर तुम्हें इन फैक्ट के बारे में पता भी था तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पांचों के पांचों फैक्ट के बारे में पता होगा, और अगर तुम्हें पांचों के पांचों पता थे तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। प्लस लाइक सब्सक्राइब वो फॉर्मेलिटी पूरा कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।